आप बोल रहे? मैं मंजूर हसन दहली से बोल रहा हूँ। ऑनलाइन पे ऑनलाइन पर कौन है? कोई दोस्त है मेरा? बहरहाल अभी मुझे वक्त नहीं है। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? मैं दावत में। ओ माशाल्लाह, 40वां? 40वें में? अच्छा, दावत होगी तो क्या 40वां ही होगा? नहीं, 40वें की भी तो दावत होती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने 40वां किसी गरीब के लिए होता है या अमीर के लिए होता है? अब ये तो आपको पता होगा, 40वां किसके लिए होता है, हम तो हमारे यहाँ तो होता नहीं है। 40वां जो होता है किसी गरीब फकीर के लिए है। तो फिर फिल्मी, मैं अली असगर हूँ, मैं अली असगर हूँ। हाँ बोल। हाँ अच्छा, इलिया सत्तार ये तुम्हारा नजीर मोतबर है गैर मोतबर है? तू पहले अपना मुसलमान होना तक साबित करेगा ये बता। हैं? अब भागा भागा। भाग अच्छा, तुम्हारे यहाँ 40, तुम्हारे यहाँ तो 40वें तो यार तुम्हारे मतलब बोया हुआ मालदार है गरीब हो, ये तो तुम्हारे तबाकुन के ये है हथियार है ये। क्या चीज है? 40वां जो है ये तुम्हारे आलिम ने लिखा है कि तीजा 40वां घर को बर्बाद कर दिए। मैंने सुनो 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 सुनो, मैंने तुमसे पूछा तुम अपना मुसलमान होना कब साबित करोगे? देवबंदी तो हमारे नजदीक काफी रहते हैं ना, मैं तो तुम्हारे किसी जैसा तू व्हाट्सएप ग्रुप से भी भाग चुका है अपने देवबंदी मौलवी को लेकर के आया था मुनाजरा करने के लिए भी, वो भी जो है बिल्कुल जलीलोकार होकर के भाग गया हिजीर ईमान से दो दो बार। मुझे मैं बोलूं मुसलमान होना और अपने मुसलमान होना कब साबित? मैं बोलूं, आप बोलूं? बोलो। मुसलमान तो उसको साबित किया था जो मुसलमान हो, तुम काफिर हो तो बस क्या मुसलमान साबित करने का? ए, मेरे पास किताब है इस्लामी जिंदगी, सुन सुन। हाँ, अरे सुनिया 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 सुनिया, अरे तेरा काफिर कहना काफी नहीं है ना, तुम्हारे मौलवियों के नजदीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम मुसलमान है। तुम्हारे अबू बकर गाजी पूरी कहता है कि क्योंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबी का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं हो सकता है, इसके अच्छा। तेरी इतनी पिटाई धुलाई पिटाई हो चुकी है, अब तेरे नजदीक वही बात इज्जत होगी जो तेरे बड़ों की बात है। अच्छा, कुछ अच्छा। होता है तू आकर के हमें काफिर कहेगा तो तेरा काफिर कहना काफी नहीं है, तेरा मौलवी थानवी जो हमको मुसलमान मानता है वो तेरे नजदीक हुज्जत है, तो तू हमको मुसलमान आशिक रसूल मान। और मेरे अब मैं बोलूं बोल। तुम्हारी किताब है तहफ्फुज़ अहले सुन्नत दिमाग, किताब जिल्द अव्वल है, मुजफ्फर कादरी कहता हूँ। सुनिए, मैं किताब खोल दूँ उसके बाद हाँ खोल ले खोल, तेरी किताब जहाँ से मैं बोलूंगा वहाँ से पढ़ना, ठीक है? खोल खोल, जहाँ से मैं बोलूंगा वहाँ से पढ़ना, लाइन पे फोन मेरे को मैं जहाँ जरूरत मेरी जरूरत नहीं वहीं से पढ़ूंगा, मैं जहाँ से कहूंगा वहाँ से पढ़ेगा। तू लात पकड़ नहीं 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 मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों बताऊँ। अरे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर साबित करूंगा कि मुकम्मल पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, मैं तो तुझे कायदे अहले सुन्नत के मुताबिक बात सुनूंगा, तू जो कहेगा तू जो पढ़ेगा तो तू आधी बात करेगा आधी नहीं करेगा, ऐसा क्या मतलब? नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुना। तुम्हारी किताब है तवज़ीहुल बयान लिखज़ाइन अलिसान, किताब है उसमें सफा नंबर, अरे सुन यार, अरे मेरी बात सुनना, मेरी बात, मैं दलील दे रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, तुफ़ैल समझी, अरे मेरी बात सुनना, मैं किताब पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा हूँ तू, क्या पढ़ रहा हूँ तू, सुन बात सुन रहा है, मैं किताब पढ़ना भाग रहा है तू, तेरे मौलवियों के नजदीक जो बात हुज्जत है वही तेरे लिए नहीं, मेरी बात सुनना। सुन तहफ्फुज़े अकायदे अहले सुन्नत खोल करके पढ़ेगा, मैं सफा नंबर बता और मैं हाँ। सफा खोलता हूँ और मैं जहाँ से कहूंगा वहाँ से पढ़ना, तब तेरी बात साबित होगी। अब मैं बोलूँ तहफ्फुज़े अकायदे अहले सुन्नत सुनना, अब मैं बोलूँ ना दूसरी किताब मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, क्या बोल रहा हूँ, अरे क्या बोल रहा हूँ तो सुन, तुमने जो तुमने जो कहा कि जहाँ से मैं कहूंगा वहीं से पढ़ना, इसके मुताले में हवाला दे रहा हूँ ना, तुम्हारा आलिम क्या कह रहा है? पहले ये बात तो, अगर जहाँ से बात साबित होगी तो आधी बात मतलब ऐसे फिट करेगा कि जैसे जहाँ से वो बात अधूरी होती है
तो बात पूरी करना पड़ेगी ना। मैं नहीं नहीं मेरी बात सुन, मैं क्या बोल, मेरी सुनता क्यों नहीं, मेरी सुनता क्यों नहीं, ऐसे नहीं सुनूंगा ना, ऐसे नहीं सुनूंगा, पहले नहीं सुनूंगा मेरी बात, पहले हाँ तो सुना, तो फिर मैं बात बोलूंगा। नहीं होता अभी आवाम के सामने, कोई रजा खान में ऐसी माँ ने, किसी माँ ने ऐसी औलाद पैदा नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना कि तेरे थानवी के कब्र में जलजला आ चुका है, सुफैल रजा जलजला अली असगर के नाम पे आया हुआ है, अहमद कब्र धुआं निकला है। तू बोल ले फिर मुझे, मैं बोलता हूँ, तू बोल ले फिर मैं बोलता हूँ, तू बोल ले क्या बोलता है, बोल। सपा नंबर अब मैं बोलूँ सपा नंबर बोल, आपको इधर उधर की बात नहीं, सपा नंबर नहीं, तुझे बात तो जहाँ से पढ़ने का वहीं पढ़ने का, मैं बोल, बात सुनना, तूने वसूल पेश किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना मैं सफा नंबर बोला ही नहीं अभी तक पढ़ने नहीं दे रहा है, और मैं जहाँ से कह रहा हूँ, मैंने कोई अभी बात पेश ही नहीं की, कहाँ से पढ़ू मैं, सफा नंबर 18 में लिखा है कि अक्सर कायदा ये है कि अगर किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ उसमें ही इबारत, मेरी बात सुनना हाँ तौज़ीहुल बयान लि खज़ाइनुल इरफ़ान, नहीं तेरा 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 जो उसूल है ना उसे धज्जे उड़ा रहा हूँ मैं, तेरा उसूल नहीं भाग दे रहा, तूने ये बात क्यों रखी कि जहाँ से पढ़ने कहूँगा वही पढ़ना, या तो तू वहाँ से पढ़ और या तो मैं जहाँ से कह रहा हूँ मुझे पढ़ना, इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। एक बात बता तहफ़्फ़ुज़े अकायदे अहले सुन्नत में तू मफ़हूम बता कि तहफ़्फ़ुज़े अकायदे अहले सुन्नत का मफ़हूम क्या है, और फिर मैं उसको गलत साबित करता हूँ, तो पहले मफ़हूम बता, मैं गलत साबित करता हूँ, वसूल बताता हूँ तुम्हारे घर से, एक वसूल बताता हूँ, हाँ मैं पहले वसूल बताऊँ, तुम्हारे को वसूल बताऊँ, तुम्हें वसूल नहीं पता, तुम्हारा धर्म का वसूल तुम्हें पता नहीं है, इतने बड़े जाहिल कमीना हो तुम लोग, उनको अपने मसलक का वसूल पता नहीं है और मुनाजिर बन गए, मुल्क बन गए, तुमको शर्म नहीं आती है, मैं उसका धज्जे उड़ाऊंगा तेरी धज्जे उड़ाऊंगा, उसका जवाब है, तेरी धज्जे उड़ाऊंगा मैं, तेरी धज्जे उड़ाऊंगा, रुकना, वसूल सुन ले तेरा ये अली असगर तुझे वसूल में ऐसा जकड़ता है, तुझे मौत आती है, मौत सीखते हो तुम लोग, सीखते हो तुम लोग, वसूल सुन बता रहा हूँ, तू जो कह रहा है मुझे तो ये पहले मानना पड़ेगा ना कि या तो मैं जहाँ से कह रहा हूँ या तो तू वहाँ से पढ़, या तो तू पहले उस इबारत का मफहूम बता और मैं उसको पढ़ करके तेरे मफहूम को गलत साबित करता हूँ, पहले तू इतना तस्लीम कर कि इसका मफहूम क्या है, वो मफहूम पढ़, हाँ फिर आना कर, अब मैं बोलूँ मुझे बोलने देगा, मैं सिर्फ एक किताब नहीं, तीन चार किताब पे से तू बोलना, बात मुझे अकायदे अहले सुन्नत को अभी हल करेंगे, अभी नहीं, तीन चार किताब पेश करूँ फिर तू बोलना, अभी तहफ़्फ़ुज़े तीन चार किताब पेश करूंगा फिर तू बोलना, तेरी सदाकत हो जाएगी तो दूसरे किताब अब आना किताब जो तू हवाले के तौर पे पेश करा मैं उसी को साबित कर दूंगा, तो तेरा दूसरा हवाला वैसे ही हवा मंसूरा हो जाएगा, तीन चार किताब पेश करूंगा की जो इबारत है उसका मुझे मफ़हूम बता दे कि उसका मफ़हूम क्या है, मैं उसको पढ़ करके तेरे मफ़हूम को बातिल साबित कर दूंगा, बात खुद ही तुम्हारी गलत साबित हो जाएगी, तुम्हें दूसरा हवाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफा नंबर खोल, 205 सफा नंबर, तहफ़्फ़ुज़े अहले सुन्नत व जमात, लाइन पर मैं सब खा ना, मैं लाइन पर रख लूंगा, लाइन पर 205 रुक जा, तो लोग खाली चिखने आता है और कुछ नहीं आता है, खाली किताब का नाम सुन के तुम्हारे खून सूखता, तुम्हारे बदन में खून सूख जाता है, किताब का नाम सुन कर खाली नाम पेश करते हैं तुम्हारी ये किताब, बस तुम्हारे बदन में जो खून है सूख जाता है, खून एक कतरा भी बाकी नहीं रहता है, इसी दर से तुम कराते हो, हाँ तू खोलना मैं तेरा हकीकत बयान करूँ ना, किताब का नाम सुन कर जलजला आया, हालांकि उनकी किताब है हमारी किताब नहीं, सपा नंबर 205 ठीक है, हाँ अब क्या पढ़ रहा है,
हाँ यहाँ पे जो लिखा है हेडिंग में, देवबंद में चार नूरी वजूद होने की हकीकत, खुला खुला खुल गया बोल उसको ऊपर से, हमारे लिए सिर्फ वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं जो उन अकाबरीन, गलत पढ़ रहा देवबंदी, देवबंद में चार नूरी वजूद होने की हकीकत, उसके ऊपर से बोल रहा हूँ, उसके ऊपर से कुछ सुनाई दे रहा है, काम साफ कर ले, मुझसे बात करने पहले काम साफ करना पड़ेगा तुझे, मुझसे बात करने के लिए सबसे पहले तुझे कान और दिल दोनों साफ करना पड़ेगा, तब तुझे दिन हिदायत समझ में आएगी, शरीयत समझ में आएगी। अभी तुम्हारा इलाज देखो, पहले बात को सुन लो, मैं तुमको बता रहा हूँ, सपा नंबर 205 में सुना बैठा, ठीक है, इसमें तुझको ये पहले सुन लो, इसमें तुझको ये साबित करना है कि जो मैंने तुझे तेरे मौलवी का उसूल पेश किया है कि तेरा मौलवी अबू बकर गाजी पूरी कहता है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है। अरे सुन ना, सुनता क्यों नहीं, खाली बोलता रहेगा क्या, सुन तू बोलता रहे, तेरा घर उसूल पेश करो ना, मैं इसको फिर सिख रहा है हाँ सिख रहा है, सुन हाँ सुन, हाँ खामोश रहो, अब खामोश रहो, इससे हट करके अगर तेरी कोई भी बात हुई, अगर इसके बरखिलाफ कोई बात तेरी निकली उसी के अंदर दायरे में, अब तुम्हारा वसूल जो है, हुज्जत क्या है वो पेश कर रहा हूँ तुमको मैं, हुज्जत कौन है, कौन है, मर जाएगा सुबेल चमती, मर जाएगा, ये अली असगर की मार है, अली असगर की मार है, सुबेल चमती जलील खान है, अली असगर की मार है, तू फिर चलती बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, तू तेरे कोई मुल्ला अली असगर की मार बर्दाश्त नहीं कर सका, तू क्यों ना, तू आज का चूहा है, तू चूहिया है, तू क्या बर्दाश्त करेगा अली असगर की मार को, तेरी हिम्मत ही नहीं है, मर जाएगा चिख चिख करके, किताब के नाम सुन करके मरता है, चिखता है, खाली इतना कहता हूँ तुम्हारी किताब बस चिखना शुरू, खाली इतना कहता हूँ चिखना शुरू करना पड़ेगा, अगर उसने ये बात नहीं पाई गई तो तेरे साथ साथ तेरी पूरी जमात की शिकस्त होगी, सुन सुन करना पड़ेगा, सुन अब बड़ो इबारत पढ़ो, पढ़ो अब इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो, हमारे लिए सिर्फ वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं जो उन अकाबरीन अहले सुन्नत जमात के 9 के कलम का नतीजा हो, जिनसे अहले सुन्नत जमात का तखस्स कायम है, क्या है तुम्हारा वसूल, हो तुम्हारा वसूल क्या है, जिनसे जमानत का तखुस कायम है, वो उनके दलाइल ही काबिल कबूल है, मर जाएगा फिर भी नहीं, मर जाएगा फिर भी नहीं, तू ऐसा करके तू पहले इसको तस्लीम करके, अगर उसमें वो बात नहीं पाई गई तो मेरी शिकायत होगी, कौन सी बात, अबू बकर गाजी, हाँ मैं बता रहा हूँ, जो तेरे मौलवी अबू बकर गाजी पूरी का उसूल है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं बन सकता, तो मैंने ये कहा कि तू देवबंदी छोटा मौलवी है, तेरे मौलवी के उसूल से तेरे लिए तेरा मौलवी थानवी का कलाम माखज बनेगा, इसको तू गलत साबित करेगा, इस चीज को तू बातिल साबित करेगा, मेरे घर की किताब के पूरे नाम से ये गलत साबित नहीं हुआ, पहले बात अगर ये गलत उसूल साबित नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये मेरी शिकस्त है, बोल तस्लीम करेगा, अगर मैं साबित करे तो तुम्हारी शिकस्त होगी ना, हाँ अगर तुम्हारा ये उसूल पेश करना तुम्हारा धर्म से गलत साबित हुआ, तुम तवा करोगे अपने धर्म से, ये उसूल नहीं, मेरे उसूल की तरदीद करोगे, मेरा उसूल गलत नहीं है, मैं तुम्हारे घर की किताब नहीं, मैंने अपने घर की नहीं, तुम्हारे उसूल से तुम्हारे घर की किताब पेश की है, हाँ मैं भी तुम्हारे घर की पेश कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे घर से पेश कर रहा हूँ, सुन पहले बात, तुमने जो वसूल पेश किया है, तुम्हारा ये वसूल पेश करना तुम्हारा धर्म के खिलाफ है, बगावत तुमने की है, तुमने बगावत बगावत की है, हुसैनी खान तो शामिल तक लिया, अब देखो मंजूर भाई पूरी जमात देवबंद की शिकायत देख लिया, इसकी जबान जबान देख लिया इसने, हाँ सुन मेरी बात सुन, तुम्हारी यही शिकायत है, सुन मुंह में बवासीर है, सुनता नहीं किसी की, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तेरा पूरे जिसम में बवासीर है, तेरे आंख में, कान में, तेरे दुबुर में, तेरे मुंह में, सब जगह बवासीर है तेरे, तुम्हारे तुफेल चमची का दुबुर मैंने लाल कर दिया, कबूल फाड़ दिया है, नहीं कर पाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ वाली इबारत यूट्यूब पे लगा दूंगा, तेरी शिकस्त हो चुकी है, अब तू अगर इसकी
ये करेगा तब के बाद अगर कर सका तो तेरे साथ साथ तेरे पूरी जमात की शिकस्त को भी कश्मीर कर। अब मैं बोलूं पहले बोल मैं तू जो बोलेगा वही लफ्ज बोलना जरूरी है। तू जो लफ्ज इस्तेमाल कर मुझे वही लफ्ज बोलूंगा मैं। खामोश रहो, मैं बोल रहा हूँ सुन, अब खामोश रहो, खामोश रहो। तूने जो हमारे घर से नहीं सुनेगा मर जाएगा। नहीं ऐसे नहीं सुनूंगा, पहले तस्लीम कर कि हाँ मेरी तू मर जाएगा, पता है मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, तू मर जाएगा। रजा खन्ना ने दम तोड़ दिया है, तू आखिरी सांस ले रहा है, तू तुम्हें बेहोश पड़ा हुआ था, तुझे हमारे मंजू भाई ने धक्का मार उठाया है, तमाम रजा खन्ना बेहोश हो चुके हैं। हाँ साबित करो, सुन सुन मेरी बात सुन, मुसलमान होना खामोश रहेगा तो साबित करूँ। अरे खामोश रहेगा तो साबित करूँ। जी 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 हाफिज साहब फोन जी, मैं कह रहा हूँ इन बेचारों का 40वां छोड़ जाएगा, दावत छोड़ जाएगी बेचारों का, गम लग जाएगा। हाँ इसलिए जबान खराब किया उसने, इसीलिए गाली दे रहा है, इसीलिए गाली दे रहा है। सुने मैं खाली इतना, हाँ सुबह जल्दी मेरी बात सुन, मैं इतना बोल रहा हूँ खाली कि तुझे जो वसूल पेश किया है अबू बकर गाजी पूरी दावत बरकात में रहमतुल्लाह अलैह उनकी जगह वसूल पेश किया है, तुम्हारा वसूल तो उसके खिलाफ है। तुम्हारा वसूल तुम्हारी किताब कह रही है, हमारे लिए सिर्फ वो दलाइल हुज्जत बन सकते हैं तो इन अकाबरीन अहले सुन्नत जमात के नौ के कलम का नतीजा हो जिनसे अहले सुन्नत जमात का तसखुस कायम है। तो अबू बकर गाजी पूरी तो ये तो माजी दौर हाजिर के माजी करीब के हैं, तो इनका कौल वो जो है हमारे तखसुस है ना, उनके उनकी शख्सियत जो है हमारे जमात में जो है हमारा जो मसला है जमात जो है तो इनके वजह से तो नहीं है ना, है हमारे जमात तखसुस जो है इनसे कायम नहीं है ना, अबू बकर गाजीपुरी रहमतुल्लाह से है ना। तो तुम बेल तुफेल चमची की का मौलवी उसी किताब चिश्ती के कह रही है कि अबू बकर गाजीपुरी जो है देवबंद के जमात का तसखुस नहीं, इनसे तसखुस नहीं है, उनसे कायम नहीं है। देवबंद का तसखुस जो है देवबंद जमात का तसखुस जो है अबू बकर गाजीपुरी से नहीं है, तो अबू बकर गाजीपुरी का कौल मोतबर कैसे होगा। मैं यही बात समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये मर्दों को पता है अली असगर सामने है, जिस तरह कहा था ना तुफेल चमची ने, तुफेल चमची का अल्फाज में दोहरा रहा हूँ, बकौल तुफेल चमची का, तुफेल चमची का दुबर लाल कर दिया, उबुल फाड़ दिया अली असगर ने, वो 40 भाग गए। हाँ और 40 का उसको आ ही नहीं रहा था वो, मैं उसे घर से साबित करूंगा कि सीधे 40 बने बेरेली घर को बर्बाद तबाह बर्बाद कर दिया है, नहीं सुनने जा रहा था, इसलिए फौरन यही सवाल करता है कि तू मुसलमान साबित कर। भाई तू खुद काफिर है, ये का हक बनता है किसी को मुसलमान को कहने का तू मुसलमान साबित कर है। अबू बकर गाजीपुरी का नाम तो लेता है लेकिन उसका जवाब सुनने की हिम्मत नहीं मर्दूद की, और वो बोल रहा तू ये बोल से भाग गया क्या, भाग गया वो मर्दूद कहीं का है। इस तरह दूसरों को बोलता है कि मर गया मर्दूद फातिहा ना दुरूद, यही अल्फाज बोल करके नारा फातिहा दुरूद खा करके जिंदगी बसर करते हैं वो लोग है। अब ये ताज्जुब की बात है, खाने में कौम इतनी मरी हुई है कि वो मर्दूद अहमद रजा वो पता नहीं कौन सी बीमारी थी उसको, उसने सुन्नत माफ करा लिया। भाई जिसको बीमारियां होती है जो सुन्नत माफ उसके ऊपर है तो वो तो खाने में परहेज करते हैं ना, लेकिन कमाल कर दिया मरने से पहले 15 चीजों का वसीयत करेगा मर्दूद, कौन सी सुन्नत तो माफ, इतनी सख्त बीमारी थी लेकिन खाने में वसीयत कर रहा है मर्दूद। देखो छोरे की बोतल बिरयानी कबाब है शामी पुलाव ये क्या है, ये सारे का धर्म जो है टिके खाने पर टिका हुआ है तुफेल चमची का, भागना है इसको गाड़ी दे भागा हो।